नमस्ते और ओम शांति। आप सब श्रोताओं का आपका स्वागत है आपके आज के 251वें दिन के ईश्वरी वरदान में। और आप लोग के लिए स्पेशली इस वरदान में जाने से पहले नीचे लिंक दिया गया है, जहाँ पर आप जाकर के प्लेलिस्ट में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पर अपने मानसिकता और साथ ही साथ शरीर की सेहत को बढ़ाने के लिए सब चेक कर सकते हैं। तो आज के ईश्वरी वरदान में परमपिता परमात्मा कहते क्या है, इसको हम एक्सप्लोर करेंगे। बाबा कहते हैं, नए जीवन की स्मृति से, नया जीवन मतलब कि आध्यात्मिक जीवन, जब हमारा स्पिरिचुअल बर्थ होता है, जब हमें ये पता चलता है कि हम एक आत्मा हैं और हम परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं, तो जाकर के हमारा नया जीवन होता है। नहीं तो हम अपने आप को दुनिया भी समझते हैं। और फिर परमात्मा कहते हैं, स्मृति से कर्मेंद्रियों पर, कर्मेंद्रियाँ क्या होगी, ये सारी कर्मेंद्रियाँ होगी हमारी, इन पर हम क्या कर पाते, कंट्रोल कर पाते इस न्यू नॉलेज से। पर विजय प्राप्त करने वाले मर जीवा भवा। तो अगर हमारा कर्म इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं है, तो हम बुरा देख लेते हैं, बुरा सुन लेते हैं, बुरा बोल देते हैं, और फिर हमारे कर्म बिगड़ जाते हैं और फिर हम भारी हो जाते हैं। वो भारीपन हटे और हम शांति में रहें, उसके लिए ये नया जीवन और कर्म इंद्रियों पर कंट्रोल करना इम्पोर्टेंट है, जिसको कि हम राजयोग मेडिटेशन से सीखते हैं। तो बाबा कहते हैं, विस्तार में देखें क्या, जो बच्चे पूरा मरजीवा बन गए, उन्हें कर्म इंद्रियों की आकर्षण हो नहीं सकती। उन्हें कर्म इंद्रियों की आकर्षण, जो पूरा बन गए, अभी तो पूरा तो मैं भी नहीं बना हूँ, बहुत सारे लोग बन रहे हैं, आस्ते आस्ते बनते जाएंगे, तो उनको इन चीज़ों की आकर्षण नहीं हो सकती। अच्छा अच्छा देखना, अच्छा 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 बोलना, खाना पीना, और इसके बाद में अच्छा अच्छा सुनना, कुछ चीज़ें सुनना, चटपटी बातें सुनना औरों के बारे में, ये सारी चीज़ें आकर्षित नहीं कर सकती। वो अपने जीवन में परमपिता परमात्मा के साथ में मगन रहते हैं और उसका आनंद बहुत अलग है। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं, अरे फिर दुनियावी चीज़ें आप एक्सपीरियंस नहीं करोगे, इन्जॉय नहीं करोगे। परमात्मा तो कहते हैं, कोई रोक टोक नहीं ब्रह्म कुमारी, इसमें आप घूमो फिरो, खाओ पियो, जो करना है करो, लेकिन आनंद परमात्मा से लो। फिर बाबा कहते हैं, जो बच्चे पूरा मरजीवा बन गए, उन्हें कर्मेंद्रियों की आकर्षण हो नहीं सकती। मरजीवा बने अर्थात सब तरफ से मर चुके, सब तरफ से आकर्षणों से मर चुके, मर नहीं चुके पर आकर्षणों से, अट्रैक्शन से मर चुके। पुरानी आयु समाप्त हुई, मैं 30 साल का हूँ, 32 साल का हूँ, 35 साल का हूँ, 40 साल का हूँ, मेरे को ये चाहिए, इस एज में ये चाहिए होता है, वो चाहिए होता है, ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, मैं तो अभी यंग हूँ, मेरे को तो ये करना है वो करना है, वो सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं, परमात्मा कहते हैं। तो बाबा कहते हैं, जब नया जन्म हुआ, क्यों, क्योंकि हमारा क्या हो गया, स्पिरिचुअल बर्थ हो गया, मैं एक आत्मा हूँ मैंने समझ लिया। पहले शरीर के लिए सोचते थे, शरीर की प्राप्तियों के लिए सोचते थे, अब क्या है, आत्मा की उन्नति का सोचते हैं हम। तो नए जन्म, नए जीवन में कर्मेंद्रियों के वश हो कैसे सकते, ब्रह्म कुमार कुमारी के नए जीवन में कर्मेंद्रियों के वश होना क्या चीज़ होती है, ये इस नॉलेज से भी परे, मतलब कि ऐसा हो जाए कि हम भूल ही जाएं कि वो पुराने जीवन में, जब हम इस नॉलेज में नहीं थे, जब हमने एक नया जीवन नहीं स्टार्ट किया था, तब हम पुराने जीवन में तो आकर्षित होते थे चीज़ों से, उसमें हर चीज़ की नॉलेज थी, ये चीज़ पहननी चाहिए, ये चीज़ खानी चाहिए, ये चीज़ लगानी चाहिए। अब क्या है, वो सारी चीज़ें हम क्या आती याद ही नहीं आए, एक नया नॉलेज आ गया, हम इस नॉलेज में इतने चले मगन हो जाएं, इतना डूब जाएं इस नॉलेज में, जिसमें कि हम वो पुरानी नॉलेज से हम अट्रैक्ट ही ना, उसकी नॉलेज ही ना रहे कि हम किन किन चीज़ों से हम अट्रैक्ट होते थे, उधर तक पहुंचना है, पुरुषार्थ वो है, से भी परे। शूद्रपन का जरा भी श्वास अर्थात संस्कार कहाँ अटका हुआ ना हो। शूद्रपन मतलब यानी कि आप लो कास्ट, शूद्र परमात्मा कहते हैं जिसकी सोच अपवित्र हो, जो औरों के अंदर गंदगी देखे, औरों के अंदर बुरा देखे, औरों की बुरी बातों को फैलाए, औरों की कंप्लेन करे, औरों के अंदर, औरों के साथ में उसको अहंकार हो, क्रोध हो, ईर्ष्या, नफरत, घृणा आए, वो आत्मा शूद्र है। आप किस गोत्र में पैदा हुए हैं, किस कास्ट में पैदा हुए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप दुनियावी तरीके से लोअर कास्ट में पैदा हुए हैं, लेकिन आपकी सोच ऊंची है, पवित्र है, परमात्मा जैसी मिलने वाली है, तो आप शूद्र नहीं, आप ब्राह्मण से भी ऊंचे हैं। तो परमात्मा कहते हैं, ये चीज़ समझनी चाहिए हमें। तो परमात्मा चाहते हैं कि हम उस नए जीवन को व्यतीत करें, क्योंकि नया जीवन है क्या, उसको पाने के लिए, समझने के लिए कॉडली स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी, यस, ब्रह्मा कुमारी से कॉडली स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी, वहाँ पर आकर के आपको ये सब कुछ सीखने के लिए मिलेगा विस्तार में। आप किसी भी धर्म के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आज का आपका दिन शुभ हो, आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, और ज़रूर कोई ना कोई कमेंट हो तो ज़रूर दीजिएगा। ओम शांति।